हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो आज जो टैरो कार्ड में मैं देखने जा रही हूँ वो ये देखने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपके साथ सच्चा प्यार किया था, क्या सच्ची फीलिंग्स हैं, क्या सच्ची भावनाएँ हैं उनकी आपके लिए, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, या फिर बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे ही आपसे बात कर ली, टाइम पास किया, या फिर जो भी उनकी एनर्जीज होगी, है ना। तो जो भी एनर्जीज आ रही है आज देखेंगे क्या है, क्या सच्चा लव था उनका, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं थी उनकी आपके लिए, क्या सिचुएशन है टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग डियर गाइस, सभी लोग देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को, ठीक है। सो कार्ड्स में ले लेती हूँ, एनर्जीज यहाँ पर आने वाली आ रही हैं। सो द मून की एनर्जीज मुझे फर्स्ट मिली है, तो आई थिंक आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर उदासी मेरे को दिख रही है। आप खुद देख सकते हैं एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके पार्टनर की जो सिचुएशन हो रही है, इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा उदास हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, लाइक कोई थर्ड पर्सन होगा जो इनको बहुत ज़्यादा अपने उसमें रख रहा है, मतलब अपनी बातों में उलझा के रखना, ठीक है। और अलझा के तो रखना लेकिन कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है जो भी थर्ड पार्टी है, और अगर उसकी बात आपके पार्टनर नहीं मानते हैं तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो थर्ड पर्सन या तो इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर अपना बर्डन लादने की कोशिश करता है, डालने की कोशिश करता है, या फिर ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना वो मेंटली स्ट्रेस में हो रहे हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसी चीज़ों कर रही हो जिससे कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से इनकी इनको ही मतलब इनकी ही बात को माने, बिल्कुल अपनी चलाए नहीं, ना फिर अपनी बिल्कुल इनसे दूर जाए। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे अभी तो ऐसी मिल रही है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि किसी चीज़ का अफसोस हो रहा है आपके पार्टनर को। इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा उदासी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, और ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पूरी तरीके से लग रहा है कि ये जो पार्टनर पर्सन है जो वो टूट चुके हैं, अपनी कुछ ऐसी बातों की वजह से इन्होंने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, है ना। ऐसे एनर्जी मेरे को यहाँ पर आ रही है, कंट्रोल दिख रहा है, अगेन कंट्रोल दिख रहा है, किसी और का कंट्रोल बहुत चल रहा है इनके ऊपर, और ऐसे एनर्जी मेरे को यहाँ पर आ रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन क्या पार्टनर हो सकते हैं आपके, इंतज़ार कर रहे हैं आप, एनर्जीज मैं आपकी भी देख रही हूँ, हो सकता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के आप हों, आपकी राशि हो ये, और आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इनका, ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है इनकी इन क्योंकि देखिए आपकी तरफ भी पेंटिकल्स है और इनकी तरफ भी पेंटिकल्स है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जैसे मैंने बताया आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है राशि, लेकिन ये जो पार्टनर है इनकी जो एनर्जीज आज की आ रही है, आज ये क्या है कि आज इनके लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़, इनके और आपके बीच में रिश्ते पहले बहुत सही थे, दोनों लोग आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते जैसे बोलना चाहिए, अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छा लव था, मैरिड पार्टनर था आपका, यही लव रिलेशनशिप था, लेकिन दूसरे की बातों को इन्होंने बहुत ज़्यादा माना, मतलब इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही कि दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और दूसरे की बातों को मानने की वजह से ही इनकी इनका और आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया और थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, और आपकी बातों को समझकर भी इन्होंने अनदेखा कर दिया, जबकि ये समझ रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी, अब ये जो थर्ड पर्सन ने, हो सकता है कि इनका ऑफिस का कोई हो, ऑफिस से हो, या फिर कोई कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई वर्क प्लेस पर या फिर कोई एक ऐसा पर्सन दिख रहा है थर्ड पार्टी के रूप में, लाइक फैमिली से भी हो सकता है, जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और आपका आपके पार्टनर जो है वो पहले आपसे बहुत बात करते थे और पहले पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में थे, आपकी हर चीज़ सुनते थे और आपको सही समझते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि कुछ दिनों से इनमें इनका व्यवहार चेंज होना शुरू हो गया होगा, जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां बढ़ गई, लेकिन ये दूरियां बढ़ाना नहीं चाहते थे, इनका व्यवहार इसलिए बदला क्योंकि इन्होंने दूसरों पर भरोसा किया और किसी भी थर्ड पार्टी ने के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फेथ किया, और वहीं से ही इनकी जो एनर्जीज है वो डाउन होना शुरू हो गई। ये धीरे धीरे
आपसे बात कम करना, आपको रिस्पांस कम देना, आपका फ़ोन पे बात करना तो सिर्फ काम की बात करना या फिर बिल्कुल ब्लॉक कर देना, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है वो इनको इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो अपनी हिसाब से चला रही है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, डेली बात करना थर्ड पार्टी का, डेली समझाना, डेली ऐसे इस तरह का बिहेव करना जिससे कि इन इनकी जो एनर्जीज़ है वो उस साइड बहुत ज़्यादा हो गई और आपकी तरफ जो एनर्जीज़ है वो बहुत धीरे 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 लो होने लगी। तो थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ जो है वो रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका हो सकता है कि मैरिड रिलेशनशिप हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप लोगों के बीच में कुछ मैरिड या फिर कुछ ऐसा रिलेशन होगा, या तो मैरिड होंगे आप या फिर ये आपके साथ आगे लाइफ में स्टेबल होना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी आपके साथ वादा किया था कि मैं आपके साथ ही, अचानक से इन्होंने आप किया आपसे वादा था और आपके साथ वादा करके आपके साथ ही स्टेबल थे और प्रॉमिस भी किया था कि भाई हम ही इस मैरिज को या फिर इस रिलेशन को आगे लेकर जाएंगे, सपना दिखाया आपको, क्योंकि एनर्जीज मुझे दिख रही, लेकिन फिर खुद ही इस वादे को तोड़ दिया। अचानक से इन्होंने आपके साथ ऐसा वेव किया, मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि कोई प्रेशराइज कर रहा था इनको, और एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी भी थी कि जो आपके पार्टनर जानबूझकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, तो फीलिंग्स में एनर्जीज पर ट्रूनेस तो थे आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से वो रिश्ता जो आपके साथ इन्होंने जोड़ा था वो रिश्ता टूट गया, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब जो सिचुएशन हो रही है, अब ये थर्ड पर्सन के साथ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने आपके साथ लव किया और आपके साथ ही स्टेबल होने के लिए प्रॉपर तरीके से खुद ही आपको ड्रीम्स दिखाया और उस ड्रीम्स को पूरा करने का वादा भी किया और चाहते भी यही थे कि आपके साथ ही जो है वो इस रिश्ते को बनाएंगे और आगे ले जाएंगे, लेकिन सडनली थर्ड पार्टी के आने से इनका व्यवहार चेंज हो गया। अब ये थर्ड पर्सन की एनर्जी जो आ रही है वो हो सकता है कि मतलब ये जो थर्ड पार्टी है इनके साथ एज डिफरेंस का भी हो कुछ इशू हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ जो है बात करना करें या फिर आप उनके साथ ही जो है वो हो जाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उन्हीं के साथ जो है वो रहे या फिर उनके साथ ही जो है वो ड्रीम्स देखें या आगे बढ़ें जो भी हो, तो वो ही नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएं। और ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच का रिलेशन या तो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पहले से पता है या फिर आपके पार्टनर ने उनको बता दिया है कि मेरा किसी और के साथ रिलेशन था, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि थर्ड पर्सन की पूरी तरीके से जाने के बाद आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट आ गया और अब आपके पार्टनर को जो है वो आपके लिए दोबारा से फीलिंग्स हो रही हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी इनके साथ है उस थर्ड पर्सन और इनके बीच में किसी बात को लेकर तनाव महसूस हो रहा है, दोनों के बीच में दूरियां सी आते हुए दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि काफ़ी पुराना रिलेशन था आपका और इनका और इन्होंने उस रिलेशन को तोड़ दिया इस थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है, क्योंकि इनको लगा कि शायद ये जो थर्ड पार्टी है इस ये ज़्यादा मतलब बेटर है, ऐसा कुछ भी सोचा, लेकिन जब ये प्रॉपर तरीके से इस थर्ड पर्सन में गए तब जाकर इनको एहसास हुआ कि नहीं वो रॉन्ग थे। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के भी पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर, सजिटेरियस स्कॉर्पियो एरीज एंड कैंसर का भी पर्सन हो सकता है जो आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हो रहा है कि नहीं या आप ही है इनके ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ही है और बाकी थर्ड पर्सन के लिए ओनली अट्रैक्शन था, वो प्यार नहीं था जैसे ये सोच रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है या जो भी है तो ये चले गए थे, लेकिन जब जाने के बाद थर्ड पर्सन को इनको आपकी याद आ रही है और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपको ही, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं जिनके दूर हो जाने की वजह से आज इनकी जो लाइफ है वो प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो गई, यहाँ पर यही एनर्जीज मेरे को आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, बताइएगा कितना कनेक्ट की हुई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मेरी जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड सर्विस है,
फ्री नहीं है, फ्री ओनली यूट्यूब पर है, पेड सर्विस है, क्योंकि मैं आपके लिए पर्सनली टाइम निकालूंगी तो उसका चार्ज है, राइट। दूसरी चीज़, मेरा जो नंबर है सिर्फ वीडियो पर है, और कहीं पर भी मेरा नंबर नहीं होता है, सिर्फ वीडियो पर होता है। सो केवल मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।